हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 सामान हिंदी में यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर 2022 का। जी हां दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी पैटर्न पर आपका 2022 का बोर्ड एग्जाम भी कराया जाएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम पूरी तरीके से डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने स्टूडेंट अब तक क्लास में आ चुके हैं, इस क्लास को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम 2022 में अच्छा नंबर ला सके। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, 9451094356 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों इस व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें आप सभी जुड़ जाइए फटाफट ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन और जो भी आपका इंपॉर्टेंट PDF जो भी प्रोवाइड होता है वो आपको फ्री में आसानी से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया, तुरंत वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, इसको हम लोग सोल्यूशन से डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका PDF जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में भी इसे हम भेज देंगे। ठीक है, और इसको हम बहुत डिटेल में और ध्यान सुनिए, जितना बताते हैं उतना आपको करते चलना है, अच्छे से अच्छा नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समान हिंदी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्णांक आपका 100 अंक का रहने वाला है। और दोस्तों ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी जो नया पैटर्न उसी पर ये पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें दो खंड बांटा गया, खंड क और खंड ख। तो खंड क में सिर्फ हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपके बुक से, और ख में आपका संस्कृत दीर्घदर्शिका से और ग्रामर हिंदी के व्याकरण से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए खंड क जो रहेगा इससे आपके 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पहला जो आएगा वह हिंदी गद्य साहित्य के विकास से 5 क्वेश्चन आएगा और ये रहेगा आपका 5 अंक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद, संपूर्णानंद, राकेश मोहन और रामकृष्ण दास। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों सही आंसर की कि शिक्षा का उद्देश्य का निबंध के लेखक जो है वो कौन है, संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, तो फटाफट ठीक करते चलिएगा और साथ में याद करते चलिएगा। खा आपका कि लल्लू लाल की रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और दोस्तों आपको बताते चले कि आपको हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर ध्यान में रखकर पढ़ने हैं 2019 के और 2020 के, क्योंकि जो दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है इसमें लगभग सभी क्वेश्चन 2019 और 20 के ही सेलेक्टेड किए गए हैं, इसलिए 19 और 20 का ही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार भी करना है। ठीक है, चलिए खाए लल्लू लाल की रचना है सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी, 4 ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि लल्लू लाल की जो रचना है वो प्रेम सागर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके कि पर्दा कहानी के लेखक है, पर्दा कहानी के लेखक है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत और चौथा ऑप्शन है आपका यशपाल। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पर्दा जो कहानी के लेखक वो यशपाल जी हैं, चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है, आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृत्यायन और रांगे राघव। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी राइट आंसर की, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, आवारा मसीहा के जो रचनाकार वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं महाप्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आंसर पता है तो। राइट, बात करते हैं दोस्तों राइट आंसर की, तो आपका चौथा सही हो जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 5 क्वेश्चन अगर आप सही सही कर देते तो 5 अंक आसानी से बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि कमानी
किस युग की रचना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड शुरू होगा इसमें भी पांच क्वेश्चन रहेगा और पांच अंक के रहेगा, लेकिन ये आपका रहेगा हिंदी पद्य साहित्य के विकास से रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि कमानी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवाद युग की। तो बात करते हैं आंसर की, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि कमानी जो है वो छायावादी युग की रचना है। या फिर कभी कभी पूछ सकता है कि अच्छा ये कमानी के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी, तो इस तरीके से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। अब इसमें चार ऑप्शन आपको अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर, तो बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि निम्नलिखित कवियों से कौन प्रगतिवादी युग का कवि, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो 1941, 1943, 1954, 1947। बात करते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1943 है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखेंगे कि द्विवेदी युग की रचना पूछा है तो किसी पे मार देंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है या नहीं है, इतने में ही आप क्वेश्चन को गलत कर देते हो जो कि आंसर आपको आता था। तो क्वेश्चन एग्जाम में जाइएगा तो आराम से पढ़िएगा, आपको जल्दबाजी नहीं करना, देखिए पहले को पूछा क्या तब उसके बाद आंसर आप दीजिएगा। इसमें कहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिया, प्री प्रवास, साकेत, भारत भारती, कामायनी। तो द्विवेदी युग की रचना आपसे पूछा कि इसमें नहीं है, तो कौन सा भाई नहीं है आपका, आपका कामायनी नहीं है। ये देखिए आपका कामायनी आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं, ये किस रचना है, अभी जस्ट अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा के कम में आप लोगों को बताया था क्या, छायावादी युग की, किसके छायावादी युग के, और ये सभी ये तीनों जो है वो आपके द्विवेदी युग की रचना है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, कामायनी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी आपका महाकाव्य नहीं पूछा है, तो रामचरितमानस ये भी महाकाव्य है, साकेत ये भी महाकाव्य है, पद्मावत ये भी महाकाव्य है, तो बचा कौन भाई, मामा, यही जो है ये आपका कृत महाकाव्य नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए फटाफट। चलिए, तो दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और 10 अंक आपका आ गया यहाँ से बहुविकल्पी से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो आपके हिंदी गद्यांश से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने भी सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको पीडीएफ के साथ और प्लस सॉल्यूशन के साथ हम आपको बता देंगे, उतना आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसी में से क्वेश्चन आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में भी दिखेगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, बहुत ही जल्द लेकर आएंगे उसको भी। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये आपको गद्यांश पाला, इसमें ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में आपको दो गद्यांश दिया रहेगा और दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। देख सकते हैं एक पाला गद्यांश यहाँ पर है और एक अथवा करके दिया होगा ये यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो या तो आपको पसंद है जो आपको ये आता है तो वो करिए, या तो ये कर लीजिए या तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पसंद वो कर सकते हैं। इसके लिए अंक की बात करते हैं तो 10 अंक यहां से मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गद्यांश दिया रहता है, गद्यांश आपसे पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सही देते हैं तो 2 अंक उस पर निर्धारित, तो 10 अंक आपके यहां से बन जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड बहुविकल्पी का जो है वो सही सही पूरा कर देते हैं तो समझ लीजिए 90 पार आप आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो गद्यांश है ये धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जाँच पड़ताल आवश्यक है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, आपको संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका जो ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश के पाठ का नाम, तो पाठ का नाम क्या है भाई इसका, राष्ट्र का स्वरूप से ये लिया गया, ध्यान सुनिए राष्ट्र का स्वरूप से है, और इसके लेखक क्या है भाई, इनके लेखक क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, वासुदेव शरण
अग्रवाल जी हैं। तो ये आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अब गद्यांश कैसे लिखेंगे भाई, इसका संदर्भ सहित कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है या फिर लिया गया है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप गद्यांश को इस तरीके से भी संदर्भ लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यांश से, ठीक है, हिंदी के गद्य भाग से संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक क्या है, डॉक्टर शरण वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस तरीके से भी आप दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ आप देखिए, संदर्भ आपको लगभग लगभग लिखना ही मिलता है, दो अंक वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या, एक आप क्या लिखे, पाठ का नाम और दूसरा लेखक का नाम, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अगर ध्यान सुने, इसको दो तरीके से, या तो इस तरीके जैसे मैंने अभी जस्ट बताया वैसे लिख सकते हैं, या फिर मुख्य मुख्य नाम लिख सकते हैं। जैसे कि इस संदर्भ में क्या चाहिए हमें, पाठ का नाम, लिखें पाठ का नाम में क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप ऐसे हेडिंग डाल के, फिर राष्ट्र का स्वरूप, फिर लेखक का नाम, लेखक का नाम, फिर यहाँ पे लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से भी लिख करके छोड़ देंगे, एक नंबर आपके पाठ के नाम पर और दूसरा आपके लेखक के नाम पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो इतनी क्वेश्चन ये पूछेगा, ये आप इसी गद्यांश को पढ़ेंगे, तो इस गद्यांश के माध्यम से ही आप दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे इसमें कहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है, इसमें कहा गया कि धरती यानी कि पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं या कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर किस तरीके से देंगे भाई, इसमें पढ़ करके, इसमें आप देंगे कि पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के अमूल्यवान निधियां यानी कि वस्तुएं भरी हुई हैं, ठीक है। और कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित जो जो ये जहां से अंडरलाइन किया, यहां से लेकर के यहां तक आपको व्याख्या कर देना है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें पता हो जाएंगी और उसी के हिसाब से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद इसमें लिखा है कि पृथ्वी के देह को किसने सजाया, ठीक है। अगला लिखा है कि पृथ्वी के देह को किसने सजाया, तो हम लिखेंगे इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे भाई, कि पृथ्वी के देह को इस पर दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर पीस पीस कर अलग प्रकार मिट्टियों से देह को सजाया, देख सकते हैं सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान होता है इसको सेलेक्ट करके पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर मौका, हम लोगों के समय पूरा संदर्भ से व्याख्या करना होता था, ठीक है। और आप इसमें थोड़ा थोड़ा सही सही करते जाएंगे तो एक दो 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 नंबर आसानी से आपको मिलता जाएगा। चलिए इसमें अथवा वाला जो है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। तो ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये देखिए अशोक के फूल, चैप्टर का नाम ही, पाठ का नाम क्या है भाई, पाठ का नाम अशोक का फूल, अगर इससे आएगा तो आप पकड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें अशोक का ही वर्णन किया गया है, तो अशोक कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा अशोक नाम से, ठीक है। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा आपका, अशोक के फूल। लेखक का नाम क्या है भाई, लेखक का नाम क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह लिखा गया, ठीक है। और बाकी जो भी क्वेश्चन और इसमें पूछा है, ये इसी गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे देंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए पद्यांश पर निम्नलिखित प्रश्नों के को उत्तर देना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके हिंदी पद्यांश से रहेगा, इसमें तो आपको यहाँ पर कविताएं दी रहेंगी, उसमें से आपको जो आपको समझ में आता है उसको आपको करना होता है। और इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, दो दो अंक का, ठीक है, देख सकते हैं। और सही कर देते हैं तो यहाँ से भी आपको 10 अंक मिल जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आपके हिंदी पद्यांश से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये आप क्या है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ये कहानी है, सॉरी, ये जो आपकी कविता है, यह किस पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो ये आपको मिल जाता है भाई होमवर्क में, इसको आपको बता देना है कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए पाठ का नाम क्या है और
इसके कवि कौन है, ठीक है। इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ आप मेहनत करिए, ठीक है, बाकी हम बाद में बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला या तो अथवा करके आएगा, जैसे कि लज्जा शीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। अब ये दोस्तों बात करते हैं, तो ये आपके पवन दूतिका से लिया गया, ठीक है। तो ये पाठ का नाम क्या है भाई, पवन दूतिका। शीर्षक का नाम क्या है भाई, पवन दूतिका। कवि कौन है भाई, कवि का नाम ध्यान सुनेगा, कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, तो इसको भी आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। और बात करते हैं दोस्तों, इसका आपको संदर्भ पूछेगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रसिद्ध पद्य महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्री प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य सॉरी पद्य भाग में संकलित पवन द्वितीय का शीर्षक से लिया गया है। या इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिंपल सा बात लिखेंगे क्या, शीर्षक का नाम जो पूछेगा वो मेन चीज, शीर्षक। शीर्षक में आप लिख देंगे पवन द्वितीय, ठीक। अब लिखेंगे लास्ट में कवि का नाम। अगर उस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल से इसको हेडिंग डालिए शीर्षक और कवि का नाम। यहाँ आप लिखिए पवन द्वित का, यहाँ आप लिख दीजिएगा कवि का नाम, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। बस इतना लिखेंगे, दो अंक आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी पहला। अब दूसरा क्वेश्चन अक्सर करके पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो कि इसमें दिया है। बाकी इसको पढ़ेंगे तो तीन क्वेश्चन का आंसर और आप दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 5 अंक का रहेगा, इसमें क और ख करके रहेगा। क में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख आपको करना है, और इसका अधिकतम सीमा आपको दिया है 80 शब्द, ठीक है। तो 80 शब्दों में ही आपको करना है, ध्यान सुनिएगा, 80 शब्दों में ही करना है। आप इसको विस्तार में मत करिएगा, नहीं क्वेश्चन अगला छूट जाएगा, ठीक है। तो 80 से मैक्सिमम अगर फास्ट लिखते हैं तो 100 शब्द आप कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या है, बहुत मेन मेन पॉइंट लिखने हैं। हम आपको आने वाले समय में हमको बता देंगे कि लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, यानी जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी APJ अब्दुल कलाम वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 3 दिया रहेगा। इसमें से जो आपको अच्छे से पता है उनके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। तो इसमें इनको भी आपको तैयार करना है भाई। इसी में 5वें के ख में आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को प्रकाश डालिए, ये भी आपका 5 अंक का रहेगा। और इसका भी अधिकतम शब्द सीमा 80 रहेगा, जिसमें यहाँ पर पूछा हुआ है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों लोगों को आपको तैयार रखना है, ठीक है। और इनको भी आपको मैक्सिमम 80 शब्दों में ही लिखना होता है, ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। चलिए तो ध्यान सुनिएगा, आपको क्या क्या तैयार करना है भाई। होमवर्क में मैंने क्या दिया, ये इनका जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, और इनका 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 ये तीनों आप तैयार करें, इसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और इसका भी अधिकतम शब्द सीमा 80 रहेगा या अथवा करके रहेगा। दो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके कहानी से रहेगा, ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा करके दिया, लिखा है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने अपने शब्दों में लिखिए। अब ध्यान सुनिए, ये 5 अंक का आपको रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों यहाँ पर है, या तो देखिएगा कहानी का उद्देश्य पर आपको क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्य डालने के लिए, या तो किसी एक कहानी का आपको सारांश लिखने के लिए अपने शब्दों में बोलेगा, सिंपल सी बात है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आँख मूंद कर आपको 3 चैप्टर बहादुर पंचलाइट ध्रुव यात्रा तीनों का आपको कहानी याद रख लेना है, ठीक है। अगर कहानी भी नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम उस वीडियो को शेयर कर देंगे, तो उसे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कहानी सुन लेंगे तो आपको पता हो जाएगा, और आसानी से आप 80 शब्दों में लिख देंगे। तो ध्यान सुनिएगा, आपको उद्देश्य नहीं लिखना है, उद्देश्य लिखने का मतलब कि आपको सोच सोच कर लिखना पड़ेगा, उसमें समय जाएगा, आप कहानी ही लिखिएगा, यानी सारांश आप लिखेंगे तो सारांश बहुत ही आसानी से आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। तो कहानी का सारांश ही आपको एग्जाम में लिखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, एक सुपठित खंड काम के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब ये भी आपका 5 अंक का रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें अधिकतम शब्द सीमा कितना दिया गया है, 80 दिया गया। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको देना कौन सा, ध्यान सुनिएगा, अब देखिए श्रवण कुमार, दूसरा है आपका रश्मि रथी से है,
और देखिए तीसरा आपका मुक्ति यज्ञ से है, और चौथा आपका त्यागपथी से है, और पांचवा आपके आलोक वृत्ति से है। अब इस छठवां आपका सत्य की जीत से। अब ध्यान सुनिएगा, ये आपके जिले में कौन सा यहाँ पर खंड काव्य चलता है उसी को आपको देना है। जैसे कि हमारे यहाँ वाराणसी में रश्मि रथी खंड काव्य है, तो अगर आपको क्लियर नहीं तो आप अपने टीचर से भी, स्कूल खुला है अपने टीचर से भी पूछ के कन्फर्म कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें दिया होगा, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उसको, पता जो आपके जिले में वहीं करना है, नहीं अगर दूसरा करेंगे तो आपका वहाँ पर अंक नहीं दिया जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं वाराणसी में रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण लिख पूछा हुआ है, या फिर दोस्तों आपका किसी सर्ग का सारांश भी पूछ सकता है, किसी जैसे पांचवें सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या छठे का, या प्रथम या द्वितीय का, इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर किसी दूसरे नायक का भी चरित्र चित्रण पूछ सकता है। तो ज्यादातर जो आता है वो कर्ण का ही चरित्र चित्रण यहाँ पर आता है, तो कर्ण का चरित्र चित्रण आपको याद रखना है, और इसका प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग कौन कौन से है उस सर्ग का कहानी भी आपको याद रखना है, कोई भी दो दो रहेगा उसमें से एक आपको करना होगा। तो उम्मीद है कि आप चरित्र चित्रण ही लिखिएगा, अगर सर्ग नहीं पता है तो आप चरित्र चित्रण लिखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाता है आपको। तो दोस्तों इस तरीके से आपका खंड ख जो है आपका समाप्त हो जाता, सॉरी खंड का आपका समाप्त हो जाता है, 50 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों आपका यहाँ बात के खंड ख शुरू हो जाता है, अब यहाँ से टोटल हो जाते हैं 50 अंक। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया रहेगा संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत दीर्घ के दर्शिका से। इसमें क रहेगा आपका कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है, 7 अंक का रहेगा। 5 अंक आपको मिलेगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए, 2 अंक आपका संदर्भ सहित व्याख्या करने संदर्भ लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दिया रहेगा, एक आपको करना, एक यहाँ पर है और अथवा करके यहाँ पर एक ये है, तो जो आपको पता है वो आपको बता देना है, ठीक है। बाकी इसका हम इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे और PDF सहित आपको सोल्यूशन सहित दे देंगे, वो उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसी में से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। फिलहाल इसको दोनों को आपको तैयार रखना है। चलिए आगे बढ़ते, ख इसी में आपका रहेगा, ये आपके संस्कृत के पद्यांश से रहेगा, कहेगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 7 अंक का रहेगा। 5 अंक अनुवाद के लिए, 2 अंक आपका संदर्भ लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो दो इसमें भी रहेगा, तो कोई एक को आपको करना है, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए, यहाँ पर 2 ठो रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक का, अब दिया कटो 1, 2, 3, 4 में जो आपको पता है उसका आपको अर्थ लिखना और उसका वाक्य प्रयोग करना, 2 अंक आपको आसानी से मिल जाएगा। अर्थ सही लिखेंगे तो 1 नंबर वहाँ से, वाक्य प्रयोग करेंगे 1 नंबर वहाँ से, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 10 के क्रम में चलेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, एकक अंक का रहेगा। यहाँ पर तथापि का संधि विच्छेद करना, जो आपको बहुविकल्पी जो आपको करेक्ट आता है उसको आपको सही कर देना है। इसके बाद 2 में भी आपको सेम वही चीज रहेगा, संधि विच्छेद, जैसे परमेश्वर का पूछा संधि विच्छेद, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर रहेगा, जो सही है वो बताइए। तीसरा है आपका गायिका का संधि विच्छेद पूछा है, तो भी आपको जो समझ में आता है वो आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद ख में चलते, ख आपका दिया, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन बतानी है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि आत्मनम में विभक्ति और वचन, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया रहेगा, जो करेक्ट हो उसको आपको कर लेना है। दूसरा इसमें पूछेगा वही विभक्ति वचन पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आपको कर देना है, एक अंक का रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन आपको करना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके आपको लिखना है, मतलब इसका सही चयन करके आपको लिखना है, ठीक है, 1 अंक यहाँ से रहेगा। इसके बाद दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वसन व्यसन दिया, इसका कौन सा सही करेक्ट आंसर वो आपको टिक कर देना, सब देख सकते हैं बहुविकल्पी ही है, ठीक। और इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अम्बुज अम्बुज, इसका सही विकल्प आप सही करके आपको लिखना है। ख है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, ठीक है। इसमें से किसी एक का आपको पकड़ना है, उसका 2 अर्थ आपको लिख देना है, ठीक। इसके बाद ग जो है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, एक शब्द का आपको चयन यहाँ पर करना है किसी एक का, तो यहाँ से 1 अंक आपको यहाँ से एक अंक यहाँ से मिलेगा, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं भाई, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। इस बार ये बहुविकल्पी कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें 4 ऑप्शन में ही आपको टिक करनी है, ठीक। इसके बाद दोस्तों घ की तरफ बढ़ते हैं, घ कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, 2 को आपको 4 दिया रहेगा, 2 को आपको शुद्ध करके लिख देना है, ठीक है, कि इसमें कौन सी दिक्कत है यानी कौन सी इरर है वो आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें क है आपका वीर रस अथवा हास्य रस की का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देना है,
तो ये आपका दो अंक यानी कि परिभाषा प्लस उदाहरण देंगे तो दो अंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रस तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अलंकार ख में आपको अलंकार पूछे, जैसे यहाँ पर पूछे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, ये दो अंक का यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो इसमें से अथवा यानी ये लिखिए या तो ये लिखिए जो आपको अच्छे से पसंद हो उसको आपको लिख देना और उदाहरण सहित लिखना। गए आपका दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, इसके लिए भी दो अंक यहाँ पर दिया गया। ठीक है, या तो दोहा आता है तो दोहा लिखिए, सोरठा आता है तो सोरठा का परिभाषा लिखिए और उसको दर्शाइए और उसके बाद उसका परिभाषा लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको कर देना है। तो अब इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपका प्रार्थना पत्र से रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बैंक के खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर ये लिखते हैं तो 6 अंक यहाँ से, अथवा आप पत्र भी लिख सकते हैं जैसे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना। कैसे लिखा जाता है हम इसका इंपॉर्टेंट दे देंगे, बता देंगे एक दो, और ऐसे भी आप अपने से देखें तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। और 14वां क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में आपको निबंध करना है, और ये आपका 9 अंक का यहाँ पर रहेगा। तो इसमें 500 दिया रहेगा निबंध में, जो आपको बहुत ही पसंद जिसके बारे में आप लिख सकते हैं विस्तार में उसको लिखिएगा। कोशिश करिएगा निबंध को एकदम लास्ट में रखने के लिए, जितना भी समय मिल जाएगा आप लिखते जाइएगा। निबंध में कोई अंत आदि नहीं है, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, निबंध में पहला हेडिंग कोई भी लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में लिखते हैं तो प्रस्तावना में भाई क्या होता है, प्रस्तावना में सबसे मोटा मोटा चीज़ें यानी जिसके बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में पहले बाहरी आवरण क्या होता है, क्या है उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे कि किसी मूवी रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है, तो ट्रेलर की तरह ही यह क्या होता है, किसी भी निबंध का प्रस्तावना होता है। बात समझ गए, तो इसमें जो आपको पता है वो आप लिख दें, वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों आई होप कि आज के सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितने हमने आपको बताया इसको आपको तैयार रख लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्लास हम लेकर के आ रहे हैं हिंदी के, और जो जो बध्यान सुनेगा जो जो भाई हम बता देंगे वो आपको तैयार कर लेना है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको विश्वास रखना है। अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसे शेयर कम से कम आप अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके। ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों ने भी मेहनत किया था, सन 2013 में हमने इंटर का एग्ज़ाम दिया, तो उस समय हमारा इंटर में आया था 85%, तो उस समय 85% लाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ध्यान से रखिएगा, तो हमने किस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ा था और इतने साल से हम पढ़ाते आ रहे हैं तो अनुभव भी है। तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको करते चलना है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।